पाकिस्तान को यूएसए से हार हुई और हार के पीछे इंडियन खिलाड़ियों का ही हाथ है, क्योंकि यूएसए के अंदर जो तीन नाम ज्यादा चमके उनका ताल्लुक इंडिया से है, वो इंडियन ओरिजिन क्रिकेटर। आमिर का ना बैंक अकाउंट चेक करवाना चाहिए, क्योंकि सुपर ओवर में आमिर ने 19 स्कोर खाया है और हमें हरवाया है। वंस अ फिक्सर ऑलवेज अ फिक्सर, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। तो इसका बैंक अकाउंट चेक करवाएं, किसने फिर से पैसे तो नहीं खा लिए। फैंस जो है वो सरापा एहतजाज में है, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि ये तो गेम पॉकेट में होना चाहिए था। पाकिस्तान की कंडीशंस बहुत अच्छी थी, हाँ माना पहले दो तीन ओवर्स गेंद थोड़ा सा मूव किया है, मगर पाकिस्तान की एक मानी ग्रामी टीम है कंपेयर टू यूएसए, वो पहली दफा पाकिस्तान से खेल रहे हैं, सो घबराना तो उनको चाहिए था। मगर सबसे बदतरीन, सबसे खौफनाक, सबसे जिलत अमेज, सबसे शर्मिंदा कर देने वाली, भिखारियों को जिस तरह से जूते मारे जाते हैं उस तरह के जूते अमेरिकन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुंह के ऊपर मारे। कल का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा ही अफसोसनाक दिन था, शर्मनाक परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की अमेरिका से। बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये पाकिस्तान टीम का एक वतीरा रहा है। बहुत टाइम से हम छोटी टीमों से मुस्तकिल हारे जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि अमेरिका के खिलाफ भी हम सेफ नहीं है। ये पूरी कौम बैठ के यहाँ पर दुआ कर रही है अपनी टीम के लिए कि हमारी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी 9 जून के लिए पाकिस्तान इंडिया का मैच के खिलाफ पाकिस्तान ने जिसने भी टिकट लिया ना भाई, मैच देखना ना जाओ, ब्लैक में बेशक सेल कर दो, या वो उससे भी बेहतर ये है कि आप लोग टिकटें फाड़ दो, क्योंकि यार जाके हम लोग ने डिसअपॉइंट ही होना है। जब टीमें झूठ पे बनेंगी ना, जब सिलेक्शन कमेटी झूठ पे बनेगी, तो ऐसे अवामिल आएंगे। और मदामिर जब सुपर ओवर कर रहा है तो वो बंदा पैनिक कर रहा है, वो ऐसे पैनिक कर रहा है जैसे बंदरों को कुत्ते घेर देते तो पैनिक करता है। 9 जून की तैयारी, देखिए तैयारी तो आपके सामने ही है, जो है हम तो अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं। वेल डिजर्व्ड, एक ऐसी टीम जिसने कल से पहले सिर्फ 28-29 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे, एक इतनी बड़ी टीम पाकिस्तान की जो 2009 की T20 वर्ल्ड कप चैंपियन भी है, उसको एक करारी शिकस्त दी। जीत तुम्हारी, प्लेयर से खिताब करते हुए कहा जीत तुम्हारी और हार मेरी, तो प्लेयर्स को खौफ ही नहीं रहा, हार तो मोहसिन नकवी साहब के खाते में, हमारे तो खाते में है ही नहीं। तीन इंडियन क्रिकेटर्स ने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त दी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को जब से यूएसए से हार का सामना करना पड़ा है, तब से इन पाकिस्तानियों का हार का सदमा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान वाले अब ये बातें कर रहे हैं कि जो यूएसए में जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं भारतीय मूल के, उन्होंने हमें हराया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भारतीय खिलाड़ियों को ब्लेम कर रहे हैं कि जो मतलब यूएसए का जो कप्तान है वो भी भारतीय नागरिक है, और जो मतलब दो तीन खिलाड़ी और हैं जो भारतीय मूल के निवासी हैं, उन्होंने यूएसए से तरफ से क्रिकेट खेलते हैं और वो अच्छे प्रदर्शन कर दिए, इसलिए मतलब मैच हार गए, ऐसा कहना है इन पाकिस्तानियों का। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी गंदी सोच है। अरे फैंस जो है वो सरापा एहतजाज में है, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि ये तो गेम पॉकेट में होना चाहिए था। पाकिस्तान की कंडीशंस बहुत अच्छी थी, हाँ माना पहले दो तीन ओवर्स गेंद थोड़ा सा मूव किया है, मगर पाकिस्तान की एक मानी ग्रामी टीम है कंपेयर टू यूएसए, वो पहली दफा पाकिस्तान से खेल रहे हैं, सो घबराना तो उनको चाहिए था। मगर गलतियों पे गलतियां पाकिस्तान करता है, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर थिंक टैंक जो है वो ऐसा लगता है कि सोया हुआ है, वो इसी घबराहट का शिकार है कि मैच ना हार जाए। सो जब वो इस घबराहट का शिकार होते हैं तो टीम भी उसी फिर लय में खेलती है कि व्हाट इफ, अगर हम हार गए तो क्या होगा। और फिर ऐसा हुआ कि तीनों शोबों में ऑफ दिखे, पाकिस्तान नंबर 3 से नंबर 6-7 पोजीशन पे स्लिप हो गया, तो गलतियां तो हो रही है ना, डगआउट में भी हो रही है और बाहर भी हो रही है। सो ये कलेक्टिव एफर्ट होता है और ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और फिर दोबारा से खड़े होना है, रीग्रुप होना है, और न्यूयॉर्क में हाजिरी है और वो टफ हाजिरी। अभी साहब ने रिक्वेस्ट भी की थी कि एक महीने तक जो है टीम को कुछ ना कहा जाए, मोहसिन भाई आई रियली लव यू, आप मुझे बताएं कैसे नहीं गए। अब इस परफॉर्मेंस के बाद तो हम ये नहीं कहते ना कि वेरी वेल डन पाकिस्तान टीम, लगे रहो लड़का वेरी गुड तो नहीं कर सकते, मोहसिन भाई तो सॉरी ये तो हमें करना पड़ेगा। नथिंग भाई, सोशल मीडिया पर अभी से वायरल होना शुरू हो गया है कि कहीं ये मैच भी IMF की शर्तों पर तो नहीं खेला जा रहा, नहीं छोड़ेंगे भाई, ये सोशल मीडिया पर की बातें हो रही हैं। अब देखिए इस मैच को जब आप IMF की शर्त का तो कुछ चक्कर नहीं आ रहा, IMF की शर्त मैंने आपको स्टार्ट लिया था, मैंने कहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम शुरू ही हमने अमेरिका के खिलाफ किया है, मैंने बात तो आपको एक अंदाज से अपने कह दी थी। देखिए मोहसिन नकवी साहब को ना अपने दो स्टेटमेंट पे जरा नजरसानी करनी चाहिए। एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा पैसा मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और मैं खर्च करने में देर नहीं लगाऊंगा, मैं हर चीज़ को बेहतर करूंगा, ये पैसा खिलाड़ियों पे खर्च होगा। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, मेरे ख्याल है हमारे खिलाड़ियों ने उसको बहुत ज़्यादा संजीदा ले लिया है और उसको बहुत ही मान के बैठ गया। उन्होंने कहा था जीत तुम्हारी, प्लेयर से खिताब करते हुए कहा जीत तुम्हारी और हार मेरी, तो प्लेयर्स को खौफ ही नहीं रहा, हार तो मोहसिन नकवी साहब के खाते में, हमारे तो खाते में है ही नहीं। मेरे ख्याल है बहुत सारी चीज़ें, हालांकि उन्होंने वो कॉन्फिडेंस देने के लिए कहा होगा कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन शायद खिलाड़ियों ने ये, हमारे तो खिलाड़ी बहुत समझदार हैं, उन्होंने समझ लिया होगा तो मोहसिन नकवी साहब की है हार, जीत हमारी है, हार इनकी है तो हार जाएंगे तो इन्हीं के खाते में जा रही है। तो कुछ स्टेटमेंट मेरे ख्याल है मोहसिन नकवी साहब इन क्रिकेटर्स के लिए, आपका कोई क्रिकेट का इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। मैंने एक बात कही थी कि जिस तरीके से आपके लोग जाके मिल रहे हैं, जिस तरीके से आपके लोग जाके जो है खिलाड़ी हमारे जो है वो अगर दावतें अटेंड करते फिर रहे, मैच से एक दिन पहले भी बाहर हैं,
तो अगर बहसियत चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं तो वजारत दाखिला बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप उसके तहत जाके जरा ये तहकीकात कराएं कि हमारे खिलाड़ी वाकई मैच से पहले जा रहे हैं, यहाँ बैठ के कौम जो है वो दुआएं बैठी हुई है, मुसल्लों पर बैठी हुई है और खिलाड़ी हमारे जो है वो एक दिन पहले खाने खा रहे हैं। जब टीमें झूठ पे बनेंगी ना, जब सिलेक्शन कमेटी झूठ पे बनेगी तो ऐसे अवामिल आएंगे। बिल्कुल सही। गोरों में क्या चीज़ है, वो झूठ नहीं बोलते, हारते हैं साफ बात करते हैं। यही जुमला सुना था ना, इस सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है, आप एग्री करते हैं? नहीं। कहाँ पे बात आई, झूठ पे आई? आपने पीएसएल की परफॉर्मेंस पे बोला कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे हमने लिया है, उसामा मीर बाहर होता था? बिल्कुल नहीं है टीम में। मोहम्मद अली बाहर होता था? बिल्कुल नहीं होता। क्या बात हुई, झूठ हुआ ना। अब आप ये देखें कि हम अमूमन पाकिस्तानी इंडिया का जब मैच होता ना तो हमारा ये सोच होती है यार आज मैच है, सारी छुट्टियां, घर में खाने बनने, टीवी के सामने बैठना। क्या अमेरिका से जो हम कल मैच हारे हैं अब ऐसा होगा इंतज़ाम? हमारी क्रिकेट कहां से कहां आ गई? अभी आपने बोला ना 2009 में कामी उस टीम का हिस्सा है। जी। कितनी नीचे आ गई है, कोई सोचने वाला है? कप्तान हमारा इंटरव्यू ऐसे दे देता है जो वर्डिंग उसकी सही नहीं है, सही है माशाल्लाह, सोशल मीडिया वाले पीसीबी वाले भी वीडियोस बना के भेज रहे हैं, वालदा को फोन करते हुए दिखाया जा रहा है, यार ये चीज़ें दिखाने की हैं? जब क्रिकेट से हट के आप इस तरफ जाएंगे तो क्रिकेट का यही हाल होगा ना। छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, लास्ट टाइम लास्ट ईयर जो रीजन की फाइनलिस्ट टीमें थी ना, कराची और फैसलाबाद, उनके जो कोचिज थे उनको असिस्टमेंट में फेल करके बाहर कर दिया। सबसे बदतरीन, सबसे खौफनाक, सबसे जिलत अमेज, सबसे शर्मिंदा कर देने वाली, भिखारियों को जिस तरह से जूते मारे जाते हैं उस तरह के जूते अमेरिकन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुंह के ऊपर मारे, बल्कि इनकी पिंटे उतारकर जूते मारे गए। आज जिल्लत हुई है, अशर्मिंदगी हुई है पाकिस्तान की। इट्स अ हाई टाइम टू थिंक, ये मजाक नहीं है, ये शुगल नहीं है, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये पाकिस्तान का तारुफ है, ये पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन है। इट्स अ हाई टाइम टू थिंक कि काकुल के अंदर जब ये खिलाड़ी बंदर बने हुए थे और अपनी टांगे खोलकर कभी ऊपर और कभी नीचे जा रहे थे, ये असल में कर क्या रहे थे? इट्स अ हाई टाइम टू थिंक कि आप 20 रन चेज करने सुपर ओवर में जा रहे हैं और आपका जो मैन हिटर है, जो छक्का मार सकता है, वो है फखर जमान, जिसे आपने 6 बाले नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े किए रखा, और इफ्तिखार चाचा और शादाब, और शादाब वो बंदा है जो मैन बैट्समैन है ही नहीं, यानी 8वें नंबर पर आकर एक स्पिनिंग ऑलराउंडर, उसे आप सुपर ओवर में 20 रन बनाने के लिए भेज रहे हैं। अपने जो चेयरमैन साहब के जो सात लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए, जो अच्छे मशवरे दें। एडवाइजर्स आपको मरवाते हैं हमेशा, हर बड़े आदमी को उसका एडवाइजर ही मरवाता है। अब मसला यही है कि आप अमेरिका से क्रिकेट में हार गए यार, आप 3 ओवर अच्छे खेले हैं, सिर्फ 3 ओवर या 40 ओवर में 3 ओवर आप अच्छे खेले हैं, बाकी 37 ओवर उन्होंने आपको दबाए रखा। ऐसा लग रहा था वो पाकिस्तान है, हम यूएस हैं। और कप्तान साहब बोलते हैं कि माफी के साथ, कप्तान साहब बोलते हैं हम 6 ओवर अच्छा नहीं खेले। भाई कामरान ने मना करा था, बासित अली ने मना करा था, शाहिद भाई ने मना करा था। मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि वो तो, वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दीजिए, वो रटे रटाए जुमले हैं, हम अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, हम 20 रन 18 रन कम बनाए हैं, हमारे मिडिल ऑर्डर को अच्छा खेलना चाहिए था, हमारी बैटिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आपसे मेरा सवाल है, जुमले हैं आपसे, आपसे मेरा सवाल है, हमारा प्रीमियम बॉलर कौन है? शाहीन है। सुपर ओवर क्यों नहीं कराया उससे? Because of experience या मैच में आमिर ने अच्छी बॉलिंग कराई। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही है कि जितने मतलब खिलाड़ी यूएसए में भारतीय मूल के खेल रहे हैं उनके वजह से हमने मतलब यूएसए से हारा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की किस तरह की सोच है कि ये हार का बदला ऐसे कह रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं अपना गुस्सा कि मतलब किस, आप सोच नहीं सकते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान टीम की कल प्रदर्शन रही है, पूरी तरीके से वन साइडेड मुकाबले मतलब टफ हुआ, लेकिन जिस तरह से शुरुआत में यूएसए के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि यूएसए की टीम उनके ऊपर डोमिनेट करके मारेगी, लेकिन मतलब लास्ट में इन पाकिस्तानियों गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, इस वजह से मतलब वो मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंचा। लेकिन जिस तरह से सुपर ओवर में मतलब यूएसए के बल्लेबाजों ने कमबैक किया, पूरी तरीके से इनके पाकिस्तानी की नंबर वन बॉलिंग जो मानते हैं, हमारे पास मोहम्मद आमिर है, नसीम शाह है, हारिस राउफ है, साइंस आफरीदी है, ये सब सारे मतलब उस दिन वड़ गए थे। और जिस तरह से मतलब यूएसए के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, एक ही ओवर में उन्होंने 18 रन का स्कोर बनाया और ये 18 रन पाकिस्तान की टीम चेस नहीं कर पाई और 5 रनों से मुकाबला हार गई। जिसमें पाकिस्तान वाले अभी बातें कर रहे हैं कि जो मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर का बॉलिंग कराया था वो मैच फिक्स कराया था,
क्योंकि सुपर ओवर मतलब जिस तरह से मोहम्मद आमिर को कराना चाहिए उस तरह से नहीं कराया था। इस ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर से फिक्सिंग की है, क्योंकि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी जितने भी हैं फिक्सिंग करने में पहली बार पकड़े जाते हैं, हर बार की तरह पकड़े जाते हैं। और ये मतलब रिटायरमेंट ले लिया था उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे मनवाकर टीम में शामिल करवाया और एक बार फिर से अब बातें शुरू हो गई है कि कहीं मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर से कहीं फिक्सिंग ना कर लिया हो, क्योंकि इतने रन एक ओवर में देना असंभव है। लेकिन पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि वैसे के बल्लेबाज कितने तगड़े हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।